चलिए, तो पिछली क्लास में हमने भाग देखा था पूर्णांकों का, उसी को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, -8 को -4 से भाग देना है। तो मैंने आपसे बोला ये तरीका यूज मत करो, ये ही नहीं यूज करना, ठीक है? हमें यूज करना है डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन करनी है हमने, सेम ये डिवाइड माइंड में करना है। 4 एकम 4, 4 दुनी 8, 2 आया। अब दोनों ही संख्याएं माइनस की है, दोनों ही संख्याएं माइनस की है। 2 हमारी एक सम संख्या होता है, इवन नंबर, इसलिए उत्तर आएगा प्लस का 2। पहले का आंसर आएगा प्लस का 2, ठीक है? अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की, दूसरे वाले को भी हम इसी तरीके से करेंगे। देखो कैसे मुझे पता चलेगा कि किस संख्या से कटेगा। 0, 2, 4, 6, 8, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं के इकाई वाली जगह पे इनमें से कोई ना कोई एक अंक आता है। इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं किससे डिवाइड होंगी, 2 से। 2 से कर दो, 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार आता है, 7 बारी, 7 जा 14। अब बारी आती है 108 की, 108 को भी इसी तरीके से काटो। जो डिवाइड आप लिख के कर रहे हो ना माइंड में करना है। पहले लेते हैं 10, 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है, 5 बारी, 2 पंजे 10। 8 कितनी बार आता है, 4 बार, 2 चक्के 8, 54/7। अब कोई संख्या नहीं है ना, दोनों के पहाड़े में ऐसी कोई संख्या नहीं जिसके पहाड़े में 54 भी आता हो, 7 भी। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही संख्या माइनस की थी, 108, एक हमारा विषम संख्या होता है, ऑड नंबर, इसलिए उत्तर में माइनस का निशान आएगा। क्लियर हो गया सभी को ये चीज? यस मैम। अंश बेटा कौन सी जगह प्रॉब्लम है, कहाँ पे नहीं आया समझिए बताओ। आज हम यही करने वाले हैं वैसे, सिंप्लीफाई कि कैसे बिना डिवाइड करे हम आंसर लेके आते हैं। हमें दोबारा समझा दी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट डिवाइड समझ में नहीं आया। एलसीएम आता है, एलसीएम करना आता है सभी को? अगर आपको एलसीएम करना आता है तो ये भी कर लोगे। एलसीएम में भी तो यही करते हैं हम, देखो सेम एलसीएम है ये। देखो एलसीएम हम कैसे करते थे, हम ना भाग देते थे। अगर मैं यहाँ बोलते 108 और 14 का एलसीएम करो तो आप ऑब्वियसली फिर से 2 से ही भाग देते। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 7 जा 14। करते या नहीं करते? अगर मुझे 108 और 14 का एलसीएम लेना होता, आप ये स्टेप करते? करते ना, यही स्टेप तो मैंने ऊपर किया, यही स्टेप तो मैंने ऊपर किया है। मतलब ये डिवाइड मैंने माइंड में किया है, सेम यहाँ पे 2 7 14, 2 5 10, 2 4 8। आया समझ सभी को? अगर एलसीएम आता है तो ये भी आ जाएगा। बताइए आप सभी को क्लियर हो गया सेकंड वाला? नहीं, वो मैंने बस एग्जांपल दिया, एलसीएम को एंड तक तो ले जाते हैं। मैंने ये बोला कि जैसे आप एलसीएम कर रहे हो ना, 108 और 14 को आप 2 से भाग देते हैं ना, जैसे एलसीएम में कर रहे हैं, इसमें भी तो वही कर रहे हैं। मैंने बस आपको वो स्टेप जो वहां लिखा है ना, वो यहाँ करके दिखाया है कि जैसे आप एलसीएम में काटते रहते हो बिना भाग दिए, बिना लॉन्ग डिविजन करे, वो करना है आपने। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम यही सीखेंगे कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है? सरलीकरण, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे 80/52, 80/52, आपको इसको काटना है, सरलतम रूप में लिखना है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए किससे कटेगा। तो मैंने देखा इकाई वाली जगह पे 0 और 2 है, तो ये 2 से कटेंगे दोनों संख्याएं। 2 दुनी 4, 2 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है, लेकिन 4 आता है कितनी बार, 2 बार, 2 दुनी 4, 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा, अभी 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 0 का 0,
टू से कटेगा, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, टू टू जा फोर, जीरो को जगह जीरो। अब इससे आगे ये कैंसिल नहीं होगा, आगे तक काटना है, आगे कैंसिल नहीं होगा, वही आपका आंसर है। बेटा अंकित के नाम से जो बच्चा है, बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। मेरी आवाज बाकियों को आ रही है क्या? वेरी गुड रोहित एंड सदफ के नाम से जो बच्चे हैं, आवाज क्लियर है अंकित? यस मैम क्लियर है। अंकित अगर नहीं आ रही, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा। वेरी गुड मैम, अब आ रही है। ठीक है, अच्छी बात है। दोबारा एक्सप्लेन करूं? ठीक है, इसको करो 10/8 का सरलतम रूप, सिंप्लीफाई करो। जो आंसर आएगा चैट सेक्शन में करिए। देखो संख्या को ना देख के मुझे पता चल जाएगा कि वो किससे कटने वाली है, तब तक काटते रहो जब तक वो कटना जाए एंड तक। वेरी गुड अरुण बेटा, करेक्ट है। वेरी गुड शिवा, गुड। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। रोहित वेरी गुड, गुड अंश, बढ़िया। ये सदफ के नाम से जो बच्चा है एंड रोहित, करेक्ट दोनों का। देखो ये सिंपल सा था, मुझे साफ दिख रहा है दोनों दो से भाग होंगे। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5/4 इसका उत्तर है। ठीक है, 5/4। अगला देखते हैं, 15/20 को करो आप। देखो इसको मैं ये बताती हूँ, इसके लास्ट में 5 है, इसके 0, तो 5 ही ऐसी संख्या है जो डिवाइड किससे होती है, या तो संख्या के आखिरी में 5 हो या 0 हो, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। वेरी गुड अंश, सदफ के नाम से बच्चे हैं, ब्रिजेश के नाम से जो बच्चे हैं, करेक्ट है। रोहित वेरी गुड, शिवा वेरी गुड बेटा, गुड। यस किशन के नाम से बच्चा है, वेरी गुड। वेरी गुड, देखो 15/20, अब ये 5 से विभाजित होगा, 5 3 15, 5 चौके 20। 15 वैसे 3 के पहाड़े में भी आता था, पर 3 के पहाड़े में 15 तो आता है 5 बार, लेकिन 3 के पहाड़े में 20 नहीं आता, इसलिए 3 से ना कट के 5 से कटेगा। रूल यही होता है कि दोनों संख्याएं हमारी एक ही संख्या से कटनी चाहिए बस। ठीक है, गुड। अगला देखो, अगर मेरे पास कोई संख्या मिश्र भिन्न में आ जाए, सबसे पहले मिश्र भिन्न को मुझे अनुचित भिन्न में बदलना पड़ेगा, फिर वही मेथड सिंप्लीफाई का, सरलतम रूप का, गुणा जोड़। 6 को 7 से गुणा करोगे, 4 जोड़ोगे/6। गॉड मास का नियम, सबसे पहले गुणा, 7 6 42 + 4 / 6, 42 और 4 46/6। अब काटो, यहां तक मैंने कर दिया, अब आप काटो 46 और 6 को, क्या आएगा? सचिन, सरलतम का मतलब बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म। वेरी गुड सुमित, अरुण, किशन के नाम से बच्चे हैं, बढ़िया। सदफ के नाम से बच्चा है, करेक्ट। अंश, नो बेटा, 6 के पहाड़े में 46 कहाँ आता है, 6 के टेबल में 46 नहीं आता। बेटा स्क्रीन शो नहीं हो रही, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। मीना के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड शिवा एंड रोहित, गुड। संदीप के नाम से जो बच्चा है बेटा, ठीक, बढ़िया। ठीक है बेटा, ठीक है, संदीप के नाम से बच्चे हैं, बढ़िया। ठीक है, देखो यहां तक हो गया 46/6 को, साफ नजर आ रहा है 46/6, दोनों के एंड में 6 6 है, तो ये 2 से ही डिवाइड होगा। 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 3 6, 23/3, इससे आगे ये भाग होगा ही नहीं। 23/3 इसका उत्तर है।
अब मुझे बताओ, पोल में करें आंसर क्वेश्चंस। क्लियर क्यों नहीं अंश बेटा, क्या हुआ? माइक ऑन करके बताओ, कहाँ पे नहीं आना? अंश कहाँ पे क्लियर नहीं हो? बताओ बेटा कहाँ क्लियर नहीं हुआ? ठीक है चलो, मैं पोल में दे रही हूँ क्वेश्चन। 30/25 का सरलतम रूप आपने लिखना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 30/25। पोल में आई हैव डन क्या बेटा? मैम, आई हैव डन मैम। हाँ, दो बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। डन। इजी क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। हो गया मैम। गुड डन बेटा, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं इसे, तो आंसर तो 100% ठीक होना चाहिए था। मैम। डन मैम। गुड, ठीक है। गुड, 18 बच्चों का आंसर आ गया, बढ़िया। देखो, वो संख्या सोचो जो दोनों के पहाड़े में आती है, ऐसी संख्या जो दोनों से कट रही हो, या ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हैं। मैं कॉपी नहीं दिखानी बेटा कपिल, अभी एंड में, लास्ट में करेंगे कॉपी चेक। ठीक5 सेकेंड्स और आखिरी के, जिन्होंने नहीं किया पोल में वो कर दो जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में, तो वही बच्चे चैट में करेंगे जिन्होंने पोल में नहीं किया। हाँ, ये क्वेश्चन ना सबका ठीक होना चाहिए था। रोहित करेक्ट है, अरुण करेक्ट है, चल किसका आया ये, 3, 4, ब्रिजेश के नाम से बच्चा करेक्ट, शिवा करेक्ट, किशन करेक्ट, सदफ करेक्ट करेक्ट है, अंकित करेक्ट, कपिल करेक्ट, अंश करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ब्रिजेश के नाम से बच्चा करेक्ट है। इनकरेक्ट वाले कहाँ रह जाते हैं? मुझे सारे करेक्ट वाले कॉपी दिखाते हैं, ये तो फैक्ट है कि मुझे वही बच्चा कॉपी दिखाएगा जो करेक्ट करता है। 30 और 25 पांच के पहाड़े में आते हैं, 5 की टेबल में। 5 5 या 25, 5 6 या 30, कितना इजी सवाल था ये, डायरेक्ट हो गया। 5 5 या 25, 5 6 या 30, ए इसका सही आंसर है। फिर भी 3 4 बच्चों ने इसे गलत किया था। यस, अगला क्वेश्चन करें अगर सभी को समझ में आ गया तो। सिंपल सा आपको पहाड़ा सोचना है जिसके उसमें ये आता हो। चलिए नेक्स्ट, 8/12, 8/12। ठीक आई हैव इट डन मैम। डन मैम। मैम डन। ओके, पर पोल में मुझे अभी जवाब शो रहा है बेटा, जल्दी। मैम डन। मैं आपसे ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको जल्दी करना है, रेस थोड़ा चल रही है, या मैं आपको प्राइस दूंगी जिसने जल्दी किया है। जल्दीबाजी में आप लोग गलत करते हो, आराम से करो क्वेश्चन।
डन मैम। हाँ, 13 बच्चों का आंसर आ चुका है। गुड, वेरी गुड। 3-4 बच्चे और रह गए, बाकी सबका आ गया है। जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन करी है मुझे बता दो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पोल में गलत कर रहे हैं क्वेश्चन। जो बच्चे लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या ऐसे बच्चे जो आज पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आज मुझे कुछ नए बच्चे भी दिख रहे हैं, तो क्या करते हैं वो बोलते नहीं कि अब उनको समझ में नहीं आता या पहली क्लास है तो नहीं समझ में आएगा, और फिर वो पोल में गलत करते हैं। तो मुझे बता दो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। आखिरी के 5 सेकेंड सर। 5, 4, 3, 2, 1। बार बार बोल रही हूँ नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी कॉपी मुझे वही बच्चा दिखाएगा जो उसने सही किया है। सुमित, ब्रिजेश, किशन के नाम से बच्चे हैं, सबका ठीक है। जो नए बच्चे हैं बेटा, मुझे मुझे प्लीज बता दो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पोल में गलत मत करो, ठीक है? नहीं आ रहा तो बार बार पूछ लो, पहले ही पूछ लो। वेरी गुड सदफ, कपिल के नाम से जो बच्चे हैं, हाँ ठीक है, ऐसे बोलो कि समझा दो, ठीक है? गलत करने से बेटर है कि पहले समझ ले। देखो, मुझे ये सोचना है ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में 8 भी आता हो 12, या ऐसी संख्या जिस जो 8 को भी डिवाइड करे रिमाइंडर 0 आए, और 12 को भी डिवाइड करे रिमाइंडर या शेष 0 आए। दो ऐसी संख्या है, 2 × 8। अब 8 कितने बार आता है वो मैंने लिखना है। 8 आता है 4 बार, 2 × 8। 12 कितनी बार आता है? 6 बार। 12 6 बार आता है ना, 2 × 6 = 12, 4/6। फिर से 2 से कटेगा। 4 कितनी बार आता है 2 के पहाड़ में? 2 बार, 2 × 2 = 4। 6 कितनी बार आता है? 3 बार, 2 × 3 = 6। 2/3 इसका उत्तर है डी। या आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, डायरेक्ट 4 से भाग दे दो, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तब डी ही आता। 2 से डिवाइड करने पे हमारा एक स्टेप बढ़ जाता है, 4 से डिवाइड करने पे एक स्टेप बच जाता है हमारा। तो दोनों में से किसी से भी करो, आंसर वही आएगा। क्लियर हुआ सुमित, सॉरी सुनील के नाम से जो बच्चा है? बढ़िया। गुड। देखो, अगर एलसीएम आता है ना, जैसे एलसीएम में हम बिना भाग दिए काटते हैं ना संख्याओं को, वैसे इसमें भी करना होता है, बिना भाग दिए काट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको कैसे करना है बेटा, जो बच्चे अभी क्लास में आए हैं ना उनको मैं फिर से समझा देती हूँ। एक मिनट, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है तो ये वाला मैं फिर से समझाती हूँ, फिर पोल में करिएगा। आपको ना ऐसा सवाल भी मिल सकता है कि मैंने लिखा 2 1/3 4, या 2 3/3, 3/3 नहीं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये है आपका क्वेश्चन, 2 6/3। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको पहले इस मिश्र भिन्न को, मिश्र भिन्न में इसको चेंज करके ना अनुचित भिन्न में बदलना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ को जाते हैं उल्टा। 3 से 2 में जाओगे गुणा करोगे, 3 से जब आप 2 में पहुंचे तो गुणा कर दो, जैसे ही 2 में पहुंचे फिर 6 में पहुंचे तो जोड़ दो, +6/3। गुणा करो, पहले गुणा होगी, 3 × 6 6 + 6/3, 6 + 6 = 12/3। अब डिवाइड कर दो, ऐसी 3 × 1 = 3 3 × 4 = 12, 4 इसका उत्तर है। क्लियर हुआ कैसे हम मिश्र भिन्न से पहले अनुचित भिन्न में बदल रहे हैं, फिर उसके बाद हम कैंसिल कर रहे हैं।
सभी बच्चे जो लेट ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ फिर आप लोगों को। यस मैम। तीन पांच बट्टे दस को सेम ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। मेरा हो गया मैम। हाँ मैं पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ। अच्छी बात, मैं जल्दी कैसे हो गया बेटा? उसने पहले क्वेश्चन देख लिया होगा ना जब yes, दोबारा मैंने क्वेश्चन देख लिया और हो गया। हाँ ठीक है, करो बाकी पोल में करो। हाँ ठीक है, काफी बच्चों का आ गया आंसर, और जो भी अभी आंसर कर रहे हैं ना सबका ठीक है फिलहाल तो। गुड। बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक सबका ठीक है, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि पूछ लो, गलत करने से बेटर है कि आप पहले पूछ ले। डन मैम। बहुत बढ़िया। मैम काउंटडाउन शुरू कर दो। हाँ बेटा अभी कुछ बच्चे रह गए, करती हूँ, कोई प्रॉब्लम देखो। कुछ बच्चे थोड़ा देर लगाते हैं ना सॉल्व करने में, सबकी कैलकुलेशन स्पीड तेज नहीं होती। कर लीजिए बाकी बच्चे बेटा क्वेश्चन सॉल्व, अभी बस थोड़ी देर में काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। यस मैम। गुड, अभी भी दो तीन बच्चे रह गए, करो बेटा आराम से करो। यार कैलकुलेशन स्पीड ना धीरे धीरे बढ़ती है। हैंड रेस मत करो अननेसेसरी, बहुत अनोइंग होता है। साइड में थ्री डॉट दबाता हूँ ना तो अपने आप हैंड रेस पे क्लिक हो जाता है, मेरे में ऐसी दिक्कत हो रही है। ओके अच्छा ठीक है, 5 सेकंड्स और आखिरी के। 5 4 3 2 1। चलो वैसे सिर्फ दो बच्चों का गलत है इस बार, मतलब पहले के हिसाब से पहले चार चार पांच पांच बच्चों का गलत हो रहा था, इस बार ही सिर्फ दो बच्चों का गलत है, तो इम्प्रूवमेंट है। बढ़िया गुड वेरी गुड। हाँ जो कॉपी दिखा रहे हैं मुझे, वेरी गुड, सबका ठीक है जितने भी बच्चों ने कॉपी दिखाई है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटा आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना। चलो तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं अनुचित भिन्न में, तो नीचे से ऊपर जाना है उल्टा, नीचे से ऊपर गुणा, नीचे से ऊपर गुणा, जैसे ऊपर पहुंचे तीन के पास पांच में पहुंचने के लिए जोड़ करना है बटे दस, गुणा करो दस दिया तीस, तीस में पांच जोड़ो 35/10, 35/10। अब 35 और 10 तो 5 के पहाड़े में आता है, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7/2, 7/2।
क्लियर सभी को? ये लास्ट लास्ट क्वेश्चन है या इसके बाद एक और है शायद? चलो देखते हैं मैम, थोड़ा डिफिकल्ट सा दो। हाँ देखते हैं, चलो थोड़ा डिफिकल्ट सर मैं अपनी तरफ से ही दूंगी, इसमें ना थोड़ा इजी ही होगा। एक क्वेश्चन मैं दे दूं अपनी तरफ से थोड़ा डिफिकल्ट? यस मैम, बड़ी यस मैम, यस मैम दे दो। ठीक है यस मैम। इसको करो, बड़ी वैल्यू है, ट्राई करना सब। देखो मुझे ये नहीं देखना कि कौन सही करता है, ट्राई लेकिन सभी करेंगे। ठीक है गुड, कॉपी दिखा देना मुझे। ठीक है हाँ सचिन बेटा, मैं देखो पहले मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए तब तो आपने पूछा नहीं, और जब मैंने बड़ा क्वेश्चन दिया तो एक और बार और समझा दो, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ जब मैं करवाऊँ। अभी तो मैं आपसे कितनी बार पूछती हूँ, समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया पूछ लो, तब आप पूछते नहीं हो। ट्राई करो, मुझे आपकी कॉपी तो देखनी देखनी है सचिन, एंड में तो मैं समझाऊंगी लेकिन पहले आप सॉल्व करोगे खुद से इसे। चलो एक बच्चे का आ गया। शिवा बेटा कॉपी थोड़ा पीछे साइड ले जाओ। ठीक है शिवा एंड अरुण दोनों का ठीक है। सुमित करेक्ट है बेटा, सदफ के नाम से जो बच्चा है करेक्ट है। राजीश के नाम से जो बच्चा है माइक ऑन आपको, माइक ऑन नहीं करना मैम मेरा। हाँ रोहित क्या है आंसर? ठीक है रोहित। किशन एकदम करेक्ट है, बढ़िया बढ़िया। और सचिन कॉपी कॉपी कहाँ है, कॉपी दिखाओ। संदीप के नाम से बच्चा बेटा करेक्ट है, गुड। सचिन कॉपी दिखाओ बेटा, कुछ भी किया है कहीं तक तो पहुंचे होगे, वही स्टेप दिखाओ। मैम ये मनीष का कैमरा ऑन है, ये देखो कैसे घूम रहा है। अंश वेरी गुड बेटा, मनीष एक जगह बैठ जाओ बेटा, एक तो आपने पूरे आधे घंटे क्लास लेट ज्वाइन करी है। एक जगह बैठ जाओ, वीडियो ऑफ करो और क्वेश्चन सॉल्व समझो क्या करवा रही हूँ मैं। एलसीएम करके आंसर किया है, वही बात नहीं, अभी एलसीएम करके कर लो, पर बाद में फिर वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो हो जाएगा वैसे। ठीक है ठीक है। सचिन कॉपी नहीं दिखी अभी तक, चले गए क्या क्लास से? हाँ नहीं आया। अच्छा सचिन नहीं आया, आप मुझे इतना बता सकते हो कि ये दोनों संख्याएं किस नंबर से डिवाइड होंगी? इतना तो समझ में आया होगा, सचिन बताओ ये दोनों संख्याएं। वो कह रहा मैम कि मैं कहीं नहीं गया। हाँ तो सचिन बताओ, वॉइस क्रैक हो रही है आर्यन बेटा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो। बताओ सचिन कौन से नंबर से डिवाइड होगा ये? इतना तो समझ में आया होगा, मैंने बताया आपको क्या पता चलता है। हाँ बताओ किससे होगा, बाकी बच्चे बताओ बेटा कौन सी संख्या से होगा? मैम दो से होगा। वेरी गुड, मुझे कैसे मैम दो से कटेगा? दो से कैसे पता चला? क्योंकि मैंने सबकी इकाई अंक देखा, दो से वही संख्या लास्ट में 608 है। हाँ मैम दो से होगा मैम, क्योंकि इन पांचों में से अगर कोई भी अंक हो जाए ना, इन पांचों में से अगर कोई भी अंक हो जाए तो वो संख्या दो से ही कटती है, तो ये दो से कटेगी, इतना मुझे पता चल गया। और ये बहुत है इतना पता चलना, अब काट दो से।
अब दो के पहाड़े में पांच आता है, नहीं आता, चार आता है, कितनी बार आता है? देखो इस संख्या से बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी चलेगी। दो दुनी चार होता है, अब माइंड में करो दो दुनी चार, लेकिन यहाँ पांच था, तो पांच में से चार घटा दोगे एक आएगा, अब ये बन गया सोलह। मेंटर यहाँ साथ में आ जाता है, शेष साथ में आ जाएगा, दो अट्ठे सोलह, एक यहाँ करो, दो छक्के बारह, टू सिक्स जा ट्वेल्व, फिर यहाँ पांच है, फिर दो दुनी चार, दो दुनी चार, पांच में से चार जाएंगे एक बचेगा, फिर ये अट्ठारह हो गया, टू नाइन जा एटी। अब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या नहीं कटने वाली, एक ही संख्या से, अलग अलग संख्या से कट सकती है पर एक संख्या से नहीं कटेगा। क्लियर? यस मैम। सचिन बताओ बेटा, अभी समझ में आया? माइंड में डिवाइड करना है आपने, वो लॉन्ग डिवीजन भूल जाओ, हर स्टेप में फिर माइनस करो, फिर संख्या उतारो, ऐसे नहीं करना। अगला टॉपिक करें? यस मैम। ठीक है, देखो अगला टॉपिक है भिन्नों पर संक्रियाएं, ठीक है, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन और रैशनल नंबर, परिमेय संख्या भी देखेंगे, जोड़ और घटा का। तो आपको याद होगा जब हम जोड़ और घटा देखते हैं हमें एलसीएम आना बहुत जरूरी होता है, और एलसीएम सभी को आता है, एलसीएम सभी को आता है। एक मैं करवाती हूँ, बाकी आप करना, फिर दो क्वेश्चन पोल में करेंगे एलसीएम के। अब ये मैं सोचना एलसीएम भी हम सीख रहे हैं, क्योंकि जरूरी है सीखना, क्योंकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जोड़ और घटा में काम आता है ये। सबसे छोटी संख्या देखो, 24 तीन से भी कटेगा, 24 चार से भी कटेगा, 24 छह से भी कटेगा और आठ से भी, लेकिन मुझे सबसे छोटी संख्या देखनी है जिससे कटे। दो होता है, दो, सबसे छोटी संख्या से शुरू करना है। दो एकम दो, दो दूनी चार, जो हमने अभी तक सीखा ना सिंप्लीफाइड सरलीकरण, सेम यहीं पे वही करना है। दो तिया छह शून्य, फिर दो से दो छक्के बारह, दो एकम दो, तीन में से दो गए एक बचेगा, दस हुआ, दो पंजे दस, दो तिया छह पंद्रह आता नहीं ऐसे उतारो, फिर तीन से कटेगा, तीन एकम तीन, तीन पंजे पंद्रह, फिर पांच से पांच एकम पांच। अब कर दो गुणा, दो दूनी चार। मैम आपने कुछ नहीं लगाया, मैम पंद्रह के साथ पांच के सामने, समझी नहीं मैं क्या? मैम जहाँ आपने फाइव वन फाइव को फिफ्टीन के नीचे लिखा है ना, वहाँ थ्री आएगा, फाइव थ्री जा फिफ्टीन। यस नहीं सही लिखा है मैम ने, वो थ्री थ्री फाइव जब फिफ्टीन होता है, ना? यस मैम करेक्ट है। तुमसे कर रहे हैं, ये उतारा पांच, फोर सिक्स जे ट्वेंटी फोर, फाइव, ट्वेंटी फोर को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, एक सौ बीस, एक सौ बीस आएगा इसका एलसीएम, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखो ये एलसीएम सीखना जरूरी है, वही हम परिमेय संख्या भी करेंगे ना, जोड़ और घटा, परिमेय संख्याओं के जोड़ और घटा में आपने बहुत मिस्टेक करी थी, तो वो हम सीखेंगे, इसलिए हम एलसीएम कर रहे हैं पहले। अब सभी को क्लियर है तो अगला क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप लोग करो। यस मैम क्लियर है, दे दो। ये क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद पोल में करेंगे क्वेश्चन, इन संख्याओं का भी साथ में हो सकता है, करो। रूल यही है, सबसे छोटी संख्या से शुरू करना है, एक के अलावा, और फिर मुझे कॉपी दिखाना सब। ऐसे हम निकालना है लघुतम समापवक, सबसे छोटी संख्या से शुरू कर। यस एक बच्चे का आ गया, हाँ अड़तालीस तो ठीक है, मुझे मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे देखना आपने स्टार्ट कैसे करा है, ठीक है। ब्रिजेश के नाम से बच्चा है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। सदफ के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। अंश करेक्ट, किशन के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। सुमित बेटा करेक्ट है, कोई बात नहीं अगर आज कॉपी नहीं है तो। शिवा करेक्ट है,
करेक्ट। अरुण कटारिया के नाम से जो बच्चा, बेटा क्या प्रॉब्लम है, हैंड रेज कर रहे हो? रोहित, करेक्ट बेटा। इनको आंसर ये वाला अच्छा है, थोड़ा बड़ा भी है। हम चार का भी एक साथ कर सकते हैं। देखो ऐसे हम निकालने का तरीका और भी है। फैक्टर वाले से, ठीक है, गुणनखंड विधि जो। अरुण कटारिया के नाम से बच्चा, बेटा माइक ऑन मत करो बार बार, मेरी आवाज रिपीट हो रही है, फिर आप लोगों को सुनाई नहीं देगी। संदीप के नाम से बच्चा है, करेक्ट। सचिन अब तो दिखा दो, वाला क्वेश्चन तो हो गया होगा, दिखाओ कॉपी। ये बिना कॉपी लिए बैठे हो, कॉपी नहीं है ना। किरण के नाम से जो बच्चा है, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो देखो सचिन आपका नाम मैंने कितनी बार ले लिया क्लास में और ये रिकॉर्ड हो रहा है। चलो सबसे छोटी संख्या, देखो तीन से भी चले जाएगा पर तीन से छोटी संख्या दो है, तीन जाता नहीं ऐसे उतार दो। दो चौके बारह, दो अट्ठे सॉरी दो छक्के बारह, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू एट जा सिक्सटीन, फिर टू से जाएगा, दो तिया छह, दो चौके आठ, फिर दो से, जब तक टू से डिवाइड ना हो जाए करते रहो टू से, फिर तीन से एंड में। दो दूनी चार, दो दूनी चार, तीन, फोर फोर जा सिक्सटीन, थ्री सिक्सटीन, थ्री जा फोर्टी एट, ठीक है। बस यही है कि हमें सबसे छोटी संख्या से शुरू करना है। अगर सभी को क्लियर है तो पोल में करें क्वेश्चन। यस मैम, कर दो पोल। ठीक है। मोहित इतनी लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो आप, पूरे 40 मिनट लेट। नहीं मैम, मैं शुरू से ही ज्वाइन कर रहा हूँ। तो आपने अभी गुड इवनिंग लगा, मुझे लगा आपने लेट क्लास ज्वाइन करी। 18 और 54 का, और आजकल आप कॉपी नहीं दिखा रहे मोहित, बीच में बहुत कॉपी दिखाते थे आप, पर अब आजकल कॉपी नहीं दिख रही आपकी। मैम रोहित की मोहित, मोहित तभी तो मैंने कहा मोहित मुझे क्लास में नहीं दिखा था, है ना, तभी गुड इवनिंग बोला है। 40 मिनट लेट क्लास ज्वाइन, अगली बार से मैं क्लास में एंट्री ही नहीं दूंगी। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करो क्वेश्चन। बेटा जगदीश के नाम से बच्चा, आप एक जगह बैठ ही नहीं रहे हो, वीडियो भी ऑन है, कॉपी बैठ लेके बैठे हो या नहीं बैठे? वेरी गुड सचिन, हाँ चलो कॉपी तो है, आप सॉल्व भी करो, जैसे खाली कॉपी दिखा रहे हो ना, थोड़ी देर बाद इसमें क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। मैम मैं तो कॉपी दिखा, हाँ कॉपी दिखाना, फिर कॉपी आप दिखाते नहीं हो ना कभी, नहीं अभी कोई कॉपी नहीं दिखाएगा एंड में, क्योंकि पोल में क्वेश्चन है ना, लास्ट में देखूंगी कॉपी। मैम डन, गुड मैम डन। 10 बच्चों का आंसर आ गया और रिस्पांस काफी अच्छा है इस वाले, मैक्सिमम बच्चों का ठीक है। मैम डन, वेरी गुड। गुड,
बढ़िया बढ़िया, सही हो रहा है, सही है। कॉपी नहीं दिखानी बेटा, अजीत के नाम से जो बच्चा है, एंड में देखूंगी कॉपी, ठीक है? नहीं अंश, कॉपी नहीं दिखानी, एंड में। धन की एलसीएम निकालना है। हाँ एलसीएम निकालना है इसका। गुड, आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं, फिर सब कॉपी दिखा लो। 5 4 3 2 1। अंश करेक्ट है, रोहित करेक्ट है बेटा, अरुण करेक्ट है, करेक्ट है। किशन के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। ब्रजेश के नाम से बच्चा है, आपका भी करेक्ट है। शिवा करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। सुमित करेक्ट है। सदफ के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। सचिन आप कॉपी दिखाओ बेटा, ब्लैंक तो देख ली कॉपी मैंने, आप क्वेश्चन दिखाओ उसमें। कहाँ तक किया वो तो दिखाओ, कोई बात नहीं, पूरा नहीं किया, कहीं तक तो किया होगा, उतना ही दिखा दो जितना किया। हाँ मुझे भी ये लग रहा है बच्चे को, और वीडियो ऑफ करनी नहीं आती। कोई नहीं, मैं एंड में बता दूंगी क्लास के। कुछ भी नहीं किया सचिन, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला, मैं आपको बार बार, कितनी बार नाम ले लिया मैंने आपका क्लास में, और आप यही कर रहे हो, आप मुझसे पूछ नहीं रहे हो, ठीक है? जब मैं बार बार पूछ रही हूँ, आया समझ? कोई रिस्पांस नहीं आपकी तरफ से। देखो एलसीएम ही नहीं आएगा तो आगे क्या करोगे बेटा, एलसीएम तो बेसिक होता है हर चीज का। 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार आता है, 9 बार, 2 9 18। अब 54 को काटो फिर से 2 से, क्योंकि 2 से ये होगा। 5 नहीं आता, 4 आता है, कितनी बार? 2 बार, 2 2 4, 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा, 14 हो गया, 2 7 14, 3 से, 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 से, हो गया खत्म। लास्ट में 1 आ जाए तो फिनिश। 3 2 6, 3 3 9, 6 9 54, 20 का सही आंसर है। क्लियर हुआ? यस। देखो इसको भी कुछ बच्चों ने गलत किया था, 20 का करेक्ट आंसर है। अब मुझे बताओ सचिन, समझ में आया है नहीं? हाँ, लास्ट क्लास के पोल का रिजल्ट बेटा ऐसा है ना, मैं बता देती बट हाँ मोहित वेरी गुड। हुआ ये कि मैंने सिस्टम चेंज किया है ना, लैपटॉप चेंज किया है, तो वो दूसरे लैपटॉप में सेव है। नेक्स्ट क्लास में पक्का याद दिलाना, फ्राइडे वाली क्लास में, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। बेटा कट रही है, सुनील के नाम से बच्चा है, क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा, आवाज कट रही है तो मैं भी पोल में ही करवा रही हूँ, सब ज्वाइन कर लीजिए। 24 और 32 का एलसीएम। क्वेश्चन किसने कर दिया इतनी जल्दी आंसर, और वो भी गलत?
जिसने भी सबसे पहले आंसर किया है गलत किया है। गुड गुड। मैम मेरा हो गया। अच्छी बात है बेटा, देखो कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं अभी भी। मैम डन डन ठीक है। बढ़िया, 10 बच्चों का आंसर आ चुका है। गुड। गुड, 17 बच्चों का आंसर आ गया। अभी भी एक्सपेक्ट नहीं है कि 4 बच्चे गलत कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब एलसीएम का मतलब ये होता है कि आपको बेसिक तो आता ही है एलसीएम का। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 मैं दो मिनट बेटा, मुझसे हो गया। कोई नहीं, चैट सेक्शन में कर देना मोहित, चैट में कर देना। यस, ब्रजेश के नाम से बच्चे हैं। अंश गुड करेक्ट, किशन सुमित करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को ही 5 बच्चों ने गलत किया है। 5 बच्चे समझ रहे हो कि मतलब मैम मेरा रोहित तो ठीक है। अंकित वेरी गुड। सदफ के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। मैम मेरा शिवा सही है। संदीप ठीक है ठीक है ठीक है। मोहित बेटा कॉपी ना थोड़ी ब्लैक आ रही है स्क्रीन, तो पास लेके जाओ। चलो अब मुझसे मैच करो। जिसको अभी भी नहीं आया फिर से देख लो एक और बार। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दुनी 4 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1 बचा 12 हो गया। 2 छक्के 12 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 2 तिया 6, 2 चक्के 8 3 आता नहीं ऐसे उतार दिया। 2 दुनी 4 फिर 2 से 2 एकम 2 फिर 3 से 3 एकम 3 लास्ट में 1 1 आ गया तो काम खत्म। मल्टीप्लाई कर दो, 2 दुनी 4, 2 दुनी 4 3 दुनी 6 4 4 16 6 16 6 जा 96 16 6 जा 96 सी इसका सही आंसर है। यस सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ सभी को? यस मोहित करेक्ट बेटा। ठीक है हाँ बेटा, आज की क्लास के लिए ना इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम जोड़ और घटा देखेंगे परिमेय संख्या का, ठीक है, फ्राइडे को। और होमवर्क मैं बार बार बोल रही हूँ, होमवर्क रेगुलर करो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगी, ठीक है। कल क्लास में ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी 11 से 12 के बीच में।